बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था और वहां का राजा बड़ा ही निर्दयी था। एक दिन उनके मन में न जाने कहां से ये बात आई कि मुझे मेरे राज्य में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं चाहिए। राजा जी, ये क्या बात है? राजा जी, हमारे राज्य में कितने वृद्ध लोग हैं, क्या आपको इसका अंदाजा है? मंत्री, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जितने भी हों, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा राजा जी ने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजा जी क्षमा कीजिए, पर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सिद्धार्थ, मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। राजा जी, कितने सारे हमारे रिश्तेदार हैं जो वृद्ध हैं। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? राजा जी, आप सिद्धार्थ की बात मत सुनिए, इसकी तो आदत है। मंत्री, जितने भी वृद्ध आदमी और स्त्री हैं, उन सबको मेरे राज्य से बाहर कर दीजिए। पर क्यों राजा जी? क्योंकि इन लोगों को कोई काम नहीं करना। ये कुछ नया उत्पादित नहीं करते, सिर्फ खाते हैं और पीते हैं। मुझे ये लोग नहीं चाहिए। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया, ये मेरा हुक्म है। राजा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। राजा जी, पर मेरे दादाजी का क्या? मैं उनको अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सजा दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। राजा जी के हुक्म से उनके कुछ मंत्री अपने सैनिकों की मदद लेकर राज्य के सारे घरों में जा जाकर एक एक वृद्ध इंसानों को इकट्ठा करते हैं। इस तरफ सिद्धार्थ जल्दी से अपने घर भागता है और अपनी पत्नी शकुंतला और दादाजी से राजा जी के हुक्म के बारे में बताता है। दादाजी, शकुंतला, राजा जी का यह हुक्म है कि उनको इस राज्य में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं चाहिए। ये कैसा हुक्म है? राजा जी को कोई समझाने वाला नहीं रहा। बड़े राजा जी के देहांत के बाद वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। पर अब हम क्या करेंगे? मैं अपने दादाजी को नहीं जाने दे सकता। ये मैंने राजा जी को भी कहा, पर उनको कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब शकुंतला? सिद्धार्थ, तुम्हें याद है हमारे रसोई घर से पीछे की तरफ एक खुफिया दरवाजा है जिससे हम एक खुफिया कक्ष में जा सकते हैं। हाँ बेटा, बहुत खूब, मैंने ही बनाया था मुसीबत के समय के लिए। हाँ शकुंतला, मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में, अच्छा याद दिलाया। हम दादाजी को वहाँ छिपा सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, कभी भी सैनिक आते ही होंगे। तो इस तरह सिद्धार्थ ने अपने दादाजी को अपने घर में ही उस खुफिया कक्ष में रखा और उनको खाना पीना सब वहीं देते रहे। और इस तरह दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल निकलने लगे। किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की चुनौती दी। राजा जी, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने हमें युद्ध की चुनौती दी है, अब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध की तैयारी कीजिए मंत्री। राजा जी, सिद्धार्थ नहीं दिख रहा। सैनिकों, सिद्धार्थ को बुलावा भेजा जाए कि राजा जी याद कर रहे हैं। राजा जी, सिद्धार्थ आ गया। राजा जी, क्या बात है? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे राज्य में युद्ध होने वाला है? राजा जी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था। दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां होने लगी और धीरे धीरे युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत सैनिकों की जान चली जाती है, पर युद्ध बंद होने का नाम ही नहीं लेता। दिन बीतने लगे, लड़ते लड़ते सैनिक थकने लगे और यहाँ उनके लिए खाना भी खत्म होने लगा था। ये एक बहुत ही बड़ा संकट लगने लगा और सिद्धार्थ परेशान होकर राजा जी के पास जाता है। राजा जी, हमारे सैनिकों के लिए अपने राज्य में खाना खत्म हो रहा है, अब क्या करेंगे? ये युद्ध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मंत्री, इसका उपाय बताइए, हम क्या करेंगे? राजा जी, मैं क्या बताऊं? राजा जी, हम तो बस अब इस युद्ध से ही थक गए हैं। अरे राजा जी,
हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये युद्ध करना ही नहीं चाहिए था। मंत्री, ये आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? आप लोगों ने तो अभी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। राजा जी, हम तो आपको सच्चाई बता रहे हैं। राजा जी, मुझे कुछ समय दीजिए सोचने का, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। सिद्धार्थ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी शकुंतला और अपने दादाजी से सलाह मशवरा लेता है, और तभी दादाजी उसे एक तरकीब बताते हैं। परेशान मत हो बेटा, मेरे पास एक हल है। दादाजी, क्या हल है आप मुझे बताइए, क्योंकि आप तो यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बिल्कुल वैसा ही करना, थोड़ी मेहनत जरूर होगी। कोई बात नहीं, हम मेहनत करने को तैयार हैं। चींटी पूरी गर्मियों में बहुत परिश्रम करते करते अनाज इकट्ठा करती हैं सर्दियों के मौसम के लिए, और वो अनाज बहुत होता है। तुम लोगों को उनके घर ढूंढने पड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वहां पे बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। शुक्रिया दादाजी, मैं अभी जाके अपने सैनिकों की मदद से उन्हें खोज निकालता हूँ। तो इस तरह सिद्धार्थ अपने सैनिकों से बात करता है और सीधे खेतों की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं तो किसानों के पास से बहुत अनाज मिलता है, जो उन्होंने बुरे वक्त के लिए संभाला होता है। यहाँ आइए, देखिए मुझे क्या मिला। आपने बिल्कुल सही कहा था, इन खेतों के गोदाम में तो बहुत सारा अनाज है। चलो इसे इकट्ठा करते हैं और ले जाते हैं राजमहल में। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले इस खेत के किसान से मैं बात कर लूं। ठीक कहा। प्रधानमंत्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे राज्य में तो आप जानते ही हैं कि युद्ध चल रहा है, और अब हमारे सैनिकों के लिए अनाज भी खत्म हो रहा है, तो हम आपका ये अनाज चाहते हैं। जी प्रधानमंत्री जी, जैसी आपकी मर्जी। हमने इसे बुरे वक्त के लिए ही संभाला था, जैसे चींटी मेहनत करती है अपने गर्मियों के खाने के लिए, तो हम भी। तो इस तरह से सिद्धार्थ, मंत्री और कुछ सैनिकों की मदद से सारा अनाज राज्य में ले जाते हैं, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये खबर राजा जी को बताई गई और उन्होंने सिद्धार्थ को खूब बधाई दी। सिद्धार्थ, मुझे बताया गया है कि ये तुम्हारी तरकीब थी। वाह सिद्धार्थ वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। पर तुम्हें कैसे पता चला कि? राजा जी मुझे माफ कर दें, मैं आपको नहीं बता सकता, आप मुझे सजा देंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। दरअसल मेरे दादाजी ने मुझे ये सलाह दी और मैंने तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन किया। तुम्हारे दादाजी? वो तो इस राज्य में नहीं होने चाहिए थे। मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी पत्नी को भी उनकी सेवा करने में बहुत खुशी मिलती है। मैं उनको अपने से अलग नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उनको मेरे घर में एक खुफिया कक्ष में रखा था। वो हमेशा से वहीं थे, पूरा समय? जी राजा जी, मैं और मेरी पत्नी उनका ध्यान रखते थे। सिद्धार्थ, तुमने मेरी आंखें खोली हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है, मैं कितना बेवकूफ था। राजा जी ऐसी कोई बात नहीं। तुमने आज मुझे ये समझ दी है कि वृद्ध इंसान का तजुर्बा और ज्ञान ही हमारे काम आता है। राजा जी, क्या हम अपने राज्य के सारे वृद्ध लोगों को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं उन सब से माफी मांगूंगा, उन लोगों को जल्दी से वापस ले आइए। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। तो इस तरह राजा जी ने अपने राज्य के सारे वृद्ध लोगों को वापस बुलवा लिया। सब लोग बहुत खुश हुए और राजा जी को बहुत आशीर्वाद दिया। राजा जी ने अपने उन मंत्रियों को भी निकाल दिया जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते थे और कुछ काम नहीं करते थे। धीरे धीरे ये राज्य एक बार फिर से खुशियों का अनुभव करने लगा। बुजुर्गों की महिमा जीवन के लिए उनकी अंतर्दृष्टि है।